हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं मैं कहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ? नहीं पता तो मुश्किल है, मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यूएई की शारजा सिटी में। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं दो तीन रीज़न बताऊँगा जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए। फर्स्ट रीज़न, दोस्तों, इसमें रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिटर्न मिलेगा 5% या 4%, यानी वो आपका पैसा बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1,05,000, 1,06,000, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। यही पैसा अगर आप फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं यानी FD में जमा करते हैं, तो उसमें भी 6% से ज़्यादा नहीं मिलता आपको, यानी उसमें भी रिटर्न काफ़ी कम है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर हम एक एवरेज स्टॉक देखें तो एक एवरेज स्टॉक पूरे साल में 15% तो रिटर्न देता ही देता है। इस हिसाब से देखें कि आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा बढ़ता है, यानी आपको उस पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन वहीं फिक्स FD या फिर बैंक में जमा रखने से पैसा आपको नहीं मिलता है। तो इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। दोस्तों, आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो इन्फ्लेशन के कारण फिर से बराबर हो जाता है। यानी मान के चलिए आप 100 रुपये जमा किए बैंक अकाउंट में और वो एक साल बाद 106 रुपये हो गया, लेकिन क्या आप वो 100 रुपये से वही चीज़ खरीद सकते हैं जो आप पिछले साल आपने 100 रुपये में खरीदा था? नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। तीसरा रीज़न है टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, इंडिया में डिमांड्स बढ़ेगी, इंडिया में ग्रोथ होगा, और जैसे जैसे ग्रोथ करेगा स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ करेगा, यानी इसका मतलब आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस स्टॉक या किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। अगर आपने अच्छा सेक्टर या अच्छा कंपनी चूज़ किया है तो आपका पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में किस सेक्टर या किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इंडिया का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इंडिया में आगे चल के टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट होने वाला है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना पैसा ग्रोथ करना है, आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट के अलावा और किसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो रियल इस्टेट में भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिलता है। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट ही एक ऑप्शन है जिसमें आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। इंडिया में अभी बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर है, जैसे जैसे आदमी लोग को जानकारी हो रहा है, वैसे वैसे वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।